गुड मॉर्निंग, मैं राजेश कुमार, प्रवक्ता प्राचीन इतिहास। तो बच्चों, आज हम आपको प्राचीन इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र जो है पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें देखिए, आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास, ठीक, जिसका 600 BC से प्रथम शताब्दी तक, ठीक है। और इसमें आपके यूनिट प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम यूनिट, इसमें हमें क्या पढ़ना है, भारतीय इतिहास जानने के साक्ष, यानी हम अध्ययन करेंगे कि यानी प्राचीन काल में जो हमारा जो जनजीवन था वो कैसा था, उसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, हम इस चीज का अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला है भारतीय इतिहास जानने के साथ। तो इसके अंतर्गत हमें जो है इसको तीन कैटेगरी बनाते हैं। आपका प्रथम कैटेगरी है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। दूसरा है आपका सिक्के। आपका तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो सबसे पहले हम इसी साहित्यिक सोर्स पर जो है प्रकाश डालेंगे, ठीक। तो साहित्यिक सोर्स पे आप देखिए, साहित्यिक स्रोत, तो इसमें हम अध्ययन करेंगे साहित्यिक स्रोत में। इसमें हम दो कैटेगरी करेंगे साहित्यिक स्रोत में, इसमें हम दो कैटेगरी करेंगे। पहला हमारा है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। ठीक, तो जैसे धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, तो इन दोनों के माध्यम से हम पता करेंगे कि जो है प्राचीन काल में जो ऐतिहासिक साक्ष्य था उसकी जानकारी करने में, यानी धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, ये दोनों किस प्रकार जो है महत्वपूर्ण होते हैं। तो धार्मिक साहित्य में आइए, धार्मिक साहित्य में सर्वप्रथम है आपका वेद, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है आपका रामायण, महाभारत। तो सबसे पहले हम वेद पर चर्चा करने से पहले हम लौकिक साहित्य के बारे में जान लें। तो लौकिक साहित्य का मतलब ये होता है अर्ध ऐतिहासिक, ठीक है बच्चों। लौकिक साहित्य का क्या मतलब होता है, अर्ध ऐतिहासिक, यानी वे ग्रंथ जो यानी कोई भी शासक या सम्राट वो राज्य कर रहा था और उसके शासन काल में जो उनका राज कब होता था, वह जब कोई ग्रंथ लिखता था तो वह जो है किसके अंतर्गत आता था, लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता था। जिसे लौकिक साहित्य के अंतर्गत आपका जैसे हो गया अर्थशास्त्र,
लौकिक साहित्य के अंतर्गत आपका अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? विष्णुगुप्त, जिनका उपनाम था चाणक्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, इसके बाद है दूसरा है नीतिसार। नीतिसार इनके जो राइटर हैं उनका नाम है कामंदक। नीतिसार के राइटर कौन है? कामंदक। ठीक है, इसके बाद जो है और एक और है जो भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वो ग्रंथ है राजतरंगिणी। ठीक है, सबसे ऐतिहासिक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसके जो है जिसके लेखक थे कल्हड़। और आपका ये राजतरंगिणी राजतरंगिणी के जो लेखक हैं उनका नाम था कल्हड़। और कल्हड़ ने सबसे पहले जो है यानी राजतरंगिणी को यानी तिथि के अनुसार इन्होंने इसकी रचना की है। ये जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आपने धार्मिक साहित्य के बारे में देखा, वेद उपनिषद रामायण महाभारत, इसमें हमें प्राचीन भारत के जानकारी के लिए कुछ ना कुछ साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा आपका है लौकिक साहित्य और लौकिक साहित्य के अंतर्गत आप अर्थशास्त्र तो आप जानते ही हैं। इसके जो है रचना इसके जो है इस ग्रंथ के लेखक थे आचार्य विष्णुगुप्त जी अर्थात चाणक्य जी, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के जो है ये प्रधानमंत्री थे और उनके राज्य में रहते हुए इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और नीतिसार कामंदक ने लिखी थी, ये 8वीं सदी की रचना है। और इसके नीतिसार में भी जो है हमें ढेर सारे साक्ष्य इतिहास को जानने के लिए प्राप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद राजतरंगिणी, और जैसा कि हमने आपको बता दिया राजतरंगिणी एक पहला ऐसा ग्रंथ था जिसमें आपको जितने भी घटनाएं घटित हुई हैं इसमें जो है तिथियों का अंकन है। तो अब इतना आपकी जानकारी में आ गई, तो थोड़ा अब हम वेद के बारे में अध्ययन कर लें। वेद में हमारा सबसे जो प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में एक शब्द आया है प्राचीन काल का एक शब्द आया है, इस शब्द का नाम है दशराग्य। ऋग्वेद में आपके उल्लिखित एक शब्द आया है दशराग। दशराग मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? दशराग मीन्स हो जाएगा 10 राजाओं का युद्ध। ठीक, अब 10 राजाओं का युद्ध 10 राजाओं का युद्ध मीन्स ये हो जाएगा कि यानी प्राचीन काल में जो हमारा प्रांत था यह जन में बटा हुआ था। यह हमारा प्रांत जो है किस में बटा हुआ था? जन में बटा हुआ था। उस समय जो है यानी 2 जन थे प्राचीन काल में 2 जन थे। पहला जन का नाम था भरत और दूसरे जन का नाम था पुरु। ठीक, तो भरत जन का जो राजा था उसका नाम था सुदास। भरत जन का जो राजा था उसका क्या नाम था? उसका नाम था सुदास। और जो पुरु जन था, पुरु जन का जो राजा का नाम तो नहीं पता चलता है, लेकिन पुरु जन के जो पुरोहित थे उनका नाम था विश्वामित्र।
और जो भरत जन के जो सुदास के पुरोहित थे उनका नाम था वशिष्ठ। तो संजोग बस जो है हमें इन दोनों जनों के मध्य जो है संघर्ष होता हुआ जो है यानी ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद में जो दस राग शब्द है इसका अर्थ यही है कि इन दो जन में अपने साम्राज्य के लिए जो है एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या था कि जो भरत जन के जो राजा थे उनका नाम सुदास था, जिनके गुरु जिनके पुरोहित वशिष्ठ मुन थे, और जो पुरुजन था पुरुजन के राजा का नाम नहीं पता चल पाता है ऋग्वेद में, लेकिन उनके पुरोहित का नाम मिलता है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जी क्या करते हैं, ये भरत जन के खिलाफ बच्चों क्या करते हैं, विश्वामित्र जी भरत जन के खिलाफ यानी दस राजाओं का एक क्या बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं। दस राजाओं का एक संघ बना लेते हैं और संघ बनाने के उपरांत यानी ये रावी नदी के तट पर आ जाते हैं। रावी नदी के तट पर आ जाते हैं और वहीं से एक दूत के माध्यम से सुदास के पास संदेश भेजते हैं कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। फिर जब सुदास यह संदेश पाता है तो सुदास भी अपने जो है पुरोहित वशिष्ठ मुन के आज्ञा अनुसार ये भी अपने सेना को लेके रावी नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। तो दोनों यानी पुरुजन और भरत जन की दोनों सेनाएं ठीक एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और आमने सामने होने के पश्चात दोनों में जो है भयंकर युद्ध होता है। और भयंकर युद्ध होने के पश्चात ये जो सुदास होते हैं ये जो है यानी दस राजाओं के संघ को अपनी योग्यता और शूरवीरता से उस संघ को भेज देते हैं और भेजने के उपरांत इनको युद्ध में पराजित कर देते हैं। जब इनको युद्ध में पराजित कर देते हैं तो पराजित करने के पश्चात यानी ये जो पुरुजन होता है ये पुरुजन को जो है भरत जन में सम्मिलित कर लिया जाता है और जो सुदास होते हैं ये ऋग वैदिक काल के जो है सबसे प्रतापी और जो है यशस्वी राजा जो है बन जाते हैं। तो बच्चों आज का हमारा जो साहित्यिक सोर्स था बस यहीं तक, अगले वीडियो में।